नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं जुपिटर और सन के कंजंक्शन के ऊपर। जो बृहस्पति और सूर्य का जो कंजंक्शन है, इसमें एक खास बात क्या है कि आप देखिए कि ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं, ये दोनों ही प्लैनेट सात्विक गुणों के प्लैनेट हैं। माने जुपिटर जो है वो देव गुरु हैं और सूर्य जो है वो अपने आप में इथिक्स और मॉरल वैल्यूज के कारक हैं, उसके अलावा डिसिप्लिन के कारक हैं। तो जब किसी भी नेटिव के चार्ट में ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ होते हैं या एक दूसरे के त्रिकोण में होते हैं, तो आप देखिए कि ऐसा नेटिव किस प्रकार का होता है कि धर्म कर्म को मानने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मा है और जुपिटर जो है वो जीव है। तो आप देखिए कि ऐसा जीव जो, क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारक है, जिसकी आत्मा प्रकाशित है, मतलब ऐसा जीव है वो जिसकी आत्मा प्रकाशित है, मतलब वो ज्ञान पिछले जीवन से इस जीवन में कैरी फॉरवर्ड करके लाया है अपने पुण्य कर्मों को, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सूर्य जो है वो पंचम भाव जो है उसके स्वामी है लियो राशि के। तो आप देखिए कि जो सूर्य है अगर वो बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो ऐसे नेटिव्स जो हैं उनको मतलब नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा वो लोग जो है, आप देखिए कि सच बोलने वाले लोग, न्याय करने वाले लोग, इस तरीके के लोग आपको जुपिटर और सन में दिखेंगे। ये एक तरीके से जो है बहुत अच्छा कंजंक्शन है किसी भी नेटिव के चार्ट में। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जिनका जुपिटर जो है वो सन से कनेक्टेड है किसी भी फॉर्म में, कंजंक्शन के फॉर्म में या ट्राइन के फॉर्म में। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी का सन जो है वो राहु के साथ या जुपिटर राहु के साथ अगर हो गया, तो वो जो लाइट है, सन लाइट जो है, उसको ग्रहण लगाने का काम करते हैं राहु। या जुपिटर के साथ हो गए तो जो जीव है वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्या करे क्या, मतलब वो डायरेक्शन लेस रहेगा अपनी लाइफ में, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। इसीलिए जुपिटर राहु वाले जो हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है कोई भी काम किसी बड़े बुजुर्ग से पूछने के बाद कीजिए, मतलब अपने आप स्वयं जो है वो कोई इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है तो उस पर सीधे काम करना मत शुरू कर दीजिए, पहले बड़े लोगों से सलाह लीजिए या किसी काउंसिलर से आप सलाह ले सकते हैं। अब देखिए जब जुपिटर और सन एक साथ आ गए, सन क्या है, मॉरल और एथिकल वैल्यूज हो गए, सन जो है वो ज्योतिष भी हो गया अगर जुपिटर सन का कंजंक्शन है, तो आप देखिए कि मतलब ऐसे लोग जो हैं वो ज्योतिष की तरफ जो है उनका मतलब स्वतः ही जो है वो रुझान हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि जीव जो है उसके अंदर आपको सन की क्वालिटीज दिखेगी। सन की क्वालिटीज कैसे, जैसे हो गया आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, हो सकता है कि कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो ईगो में चेंज हो जाए, लेकिन अदरवाइज ऐसे लोग जो है वो बहुत ही स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। बहुत कम उम्र से जो है ये लोग अर्निंग जो है वो शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत कम उम्र से जो है ये जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये कंजंक्शन ऑल इन ऑल अच्छा कंजंक्शन है, बस इसमें कंट्रोल किसको करके रखना है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट फायरी प्लैनेट है, तो नेटिव का पित्त बढ़ सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या क्योंकि सन जो है, सन हमारी आईज भी है, तो हो सकता है आईज में आईसाइड का प्रॉब्लम आ जाए या आईज में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आ जाए। अदरवाइज ये कंजंक्शन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छा कंजंक्शन है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।